नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और साथ में जवाब भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वह कौन सा प्राणी है जो आँखें बंद करके भी देख सकता है? क्या आप जानते हैं? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी ऊंट, सी जिराफ, डी भालू। साथियों, आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा बी ऊंट। दूसरा सवाल है, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? आपका ऑप्शन है ए उलर झील, बी चिल्का झील, सी गोखुर झील या डी मेघना झील। आपका सही जवाब होगा सी गोखुर झील। तीसरा सवाल है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? क्या आप बता सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब होगा ए सिकंदर लोदी। सवाल नंबर 4 है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नील नदी, बी वोल्गा नदी, सी राइन नदी या डी अमेजन नदी। आपका सही जवाब होगा डी अमेजन नदी। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मटर में, बी चावल में, सी दाल में या डी सोयाबीन में। आपका सही जवाब होगा डी सोयाबीन में। अगला सवाल है, संगीत बजाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए विदूषक, बी संगीतकार, सी नाटककार या डी प्लंबर। आपका सही जवाब होगा बी संगीतकार। सवाल नंबर 7 है, डोनाल्ड डक और मिक्की माउस किसके द्वारा बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए वॉल्ट डिज्नी, बी आर्थर कैनन डायल, सी बॉब कैन या डी रुडयर्ड किपलिंग। आपका सही जवाब होगा ए वॉल्ट डिज्नी। हमारा अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? आपका ऑप्शन है ए सिख धर्म को, बी बौद्ध धर्म को, सी जैन धर्म को या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बौद्ध धर्म को। सवाल नंबर 9 है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड।
आपका सही जवाब होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल नंबर 10 है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी गुजरात, सी केरल, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ए झारखंड। सवाल नंबर 11 है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन या डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा डी हीलियम। सवाल नंबर 12 है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे या डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका सही जवाब होगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। सवाल नंबर 13 है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? क्या आप जानते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब होगा सी अटलांटिक महासागर। सवाल नंबर 14 है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए महर्षि पतंजलि, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि पाणिनि या डी महर्षि कात्यायन। आपका सही जवाब होगा सी महर्षि पाणिनि। सवाल नंबर 15 है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप या डी अंटार्कटिका महाद्वीप। आपका सही जवाब होगा बी अफ्रीका महाद्वीप। सवाल नंबर 16 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए सिक्किम। सवाल नंबर 17 है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी नई दिल्ली में, सी पुणे में या डी अहमदाबाद में। आपका सही जवाब होगा बी नई दिल्ली में। सवाल नंबर 18 है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 5 मीटर, बी 4 मीटर, सी 3 मीटर, डी 1 मीटर। आपका सही जवाब होगा डी 1 मीटर।
सवाल नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा सी ऑक्सीजन। सवाल नंबर 20 है, किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेब में, बी केला में, सी आम में या डी पपीता में। आपका सही जवाब होगा ए सेब के अंदर। सेब के बीज में साइनाइड जहर पाया जाता है, इसलिए आप लोग सेब के बीज को ना खाएं और बच्चे को सेब के बीज से दूर रखें। सवाल है, भारत की पहली फिल्म कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए आलम आड़ा, बी शोले, सी गाइड, डी राजा हरिश्चंद्र। साथियों, ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, रोजाना इसी तरह का इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।